देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेडियस ऑफ गायरेशन पे बात करी थी, ठीक है। साथ में काइनेटिक एनर्जी को लेके कुछ एक बातें करी होंगी हम लोगों ने, है ना। और उसमें हम लोगों ने के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेशियो डिराइव करा था दो चार बॉडीज के लिए। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के रेशियोज आप लोग याद रखें, वो बहुत अच्छा रहेगा। फिर मैंने काइनेटिक एनर्जी का आप लोगों को शायद एक फॉर्मूला बताया होगा, और वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था, दैट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम इंटू वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला था, ठीक है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान में रखें, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि अगर आपको के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का डेटा याद रह गया, ठीक है, तो आपका सवाल जल्दी होगा, ठीक है, टाइम बचेगा। फॉर्मूला एक सिंपल सा याद रखना है आपको, बस ये अकेला फैक्टर अगर आपको याद है तो आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। आगे मैं एक्सेलरेशन की बातें भी करूंगा, एक्सेलरेशन का आपके पास डेटा आएगा, वेलोसिटी का आप लोगों के पास डेटा आएगा। उन सब में ऑलमोस्ट ये वाला जो फैक्टर है या तो सिमिलर रहेगा या सेम रहेगा। तो सिमिलर या सेम रहेगा, और बाकी जो उनका बेसिक फंक्शन होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है, वो सेम ही रहने वाला जो आप लोग काइनेमेटिक्स से पढ़ते हुए आए हैं। तो बस इतना फैक्टर अगर आप लोगों को याद है तो आप लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा दिमाग में रखें, या इस टाइप के पैटर्न के जो फॉर्मूले हैं उसको थोड़ा सा दिमाग में रखें। ये इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जेडब्ल्यू मेन्स में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कई बार ज्यादा पूछ लेते हैं, तो अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है। खैर, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब बात करी थी तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था 50% वाला या 40% वाला, दोनों में से एक। मेरे हिसाब से हमने 50% वाला किया था शायद, कि ऑब्जेक्ट कौन सा है वो हम लोगों को पहचानना है। ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, फिलहाल इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखें, अ सॉलिड स्फीयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग। अ सॉलिड स्फीयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग एज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्फीयर। कैलकुलेट द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्फीयर। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम फालतू क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए बस आप लोगों को बता रहा हूँ। और इसका आंसर 7/10 mv² आएगा। आंसर आएगा 7/10 mv², मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मोटे मोटे तौर पे देख लीजिए बस। देखिए, ये हमारे पास ग्राउंड है, क्वेश्चन में इस तरीके से दिया है। ये फिगर अभी अभी तो मैंने आप लोगों को दे दिया, वरना इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको ये फिगर दिया हो क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास स्फीयर हो गया, ठीक है। एक बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर सवाल में सिर्फ स्फीयर लिखा हुआ है तो आपको सॉलिड मान के चलना है, सवाल में सिर्फ सिलेंडर लिखा हुआ है आपको सॉलिड सिलेंडर मान के चलना है, अगर सवाल में स्फेरिकल शेल दिया हुआ है तो आपको हॉलो स्फीयर मान के चलना है। तो फिलहाल तो हमें सॉलिड स्फीयर दिया था, ये मेंशन्ड है कि द स्फीयर इज सॉलिड, ठीक है। स्फीयर का जो रेडियस है वो हम लोगों ने आर मान लिया, स्फीयर का जो मास है वो हम लोगों ने एम मान लिया, और वो प्योर रोलिंग कर रहा है, तो वो इस डायरेक्शन में, जो सेंटर ऑफ मास है स्फीयर का वो इस डायरेक्शन में वी से चल रहा है, और स्फीयर इस डायरेक्शन में ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया हुआ है, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता क्या है, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एंड मैंने आपको क्या सिखाया है, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय हाफ इनटू मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ठीक है, इनटू 1 + k² / r² अभी के लिए मैं आपको सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसलिए इससे भी चलूंगा, आंसर सेम ही आने, दैट्स वेरी ऑब्वियस। तो हमारे पास आंसर बनेगा हाफ एम वी, सेंटर ऑफ मास की वैल्यू वी है, तो वी स्क्वायर इनटू 1 + k² / r² टेबल में जाके देखिए, सॉलिड स्फीयर का k² / r² का जो रेशियो है या जो वैल्यू है वो आपको 2/5 मिलेगा। तो हम लोगों ने 2/5 लिख दिया, तो हमारे पास आ गया 5 × 2 = 7, तो 7 mv² / 10 इज द आंसर। यहां पे इंडिविजुअल भी कर सकते थे इसको, क्या लिख सकते हैं आप, सिंपली हाफ एम इनटू वी स्क्वायर प्लस रोटेशन को क्या लिख सकते हैं, तो रोटेशन को हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। आई की वैल्यू कितनी बढ़ दोगे, सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 × mr² और प्योर रोलिंग हो रही है, सवाल में दिया हुआ था, सवाल में इट इज गिवन दैट इट इज प्योर रोलिंग, ठीक है। कैसे पता लगा कि सवाल में प्योर रोलिंग दी हुई है, उसने बोला रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, दैट मींस इट इज प्योर रोलिंग। तो उस केस में आप ओमेगा को कितना लिखेंगे, ओमेगा को लिखेंगे v² / r² 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 कैंसिल, तो 2/5 mv², ये रहा आपका 2/5 mv²,
एंड दिस, तो हमारे पास यहाँ से डेटा बन जाएगा, अच्छा साथ में हाफ रहेगा वो रहेगा, तो हाफ इंटू 2/5 एम बी स्क्वायर और हाफ इंटू एम बी स्क्वायर डेटा बनेगा 7/10 एम बी स्क्वायर। बेकार सा क्वेश्चन था एकदम, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। एक और क्वेश्चन है, से अ रिंग, से अ रिंग, से अ डिस्क कर लो, रिंग नहीं, से अ डिस्क, रिंग नहीं करेंगे डिस्क, से अ डिस्क ऑफ मास, से अ डिस्क ऑफ मास 2 kg, से अ डिस्क ऑफ मास 2 kg हैज, से अ डिस्क ऑफ मास 2 kg हैज अ लीनियर वेलोसिटी ऑफ 20 meters per second, हैज अ लीनियर वेलोसिटी ऑफ 20 meters per second, से अ डिस्क ऑफ मास 2 kg हैज लीनियर वेलोसिटी ऑफ 20 meters per second, फुल स्टॉप। फाइंड इट्स ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी, फाइंड इट्स ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी। आपको मैंने डिस्क दी हुई है शायद, तो डिस्क का जो रेडियस है वो कितना माना हो गया, मास स्क्वायर बाय 2 होता है ना, 2 meter मान लो, रेडियस मान लो 2 meter के बराबर है डिस्क का, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या डेटा दिया, आइए क्वेश्चन में देखते हैं। ये हमारे पास एक डिस्क है, ये ग्राउंड है, तो वी आर कंसीडरिंग दिस एज अ डिस्क, ठीक है, और ये डिस्क का रेडियस आर है, ठीक है, डिस्क का मास एम है, डिस्क का रेडियस आर है, ठीक है, और मासेस कितने कितने दिए थे, मास एम इज इक्वल टू, अब तो मैं पूछ भी नहीं सकता तुम लोगों से, मास की वैल्यू है 2 kg, रेडियस की वैल्यू है 2 meters, ठीक है, आई होप सो कि मैंने सही बोला है, वेलोसिटी 20 meters per second ली हुई है हम लोगों ने, ठीक है, ओके। तो सबसे पहली बात उन्होंने पूछ लिया कि व्हाट इज द ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेटरी लिखा है टोटल नहीं लिखा है, तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम इंटू वी, सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, तो वो बनेगा हाफ इंटू मास कितना है भाई 2 kg इंटू वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर मतलब 400, ठीक है, 220 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, तो टोटल ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके पास 400 जूल्स की, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी कैन कैलकुलेट, After this, what we can calculate the total kinetic energy, अगर हमें उनको निकालनी है, what is total kinetic energy? Total kinetic energy is nothing but translatory kinetic energy plus the rotational kinetic energy, ठीक है, अब kinetic energy total is equal to translatory kinetic energy, तो आपके पास है 400 joules की, plus rotational kinetic energy is half I into omega square, एक बार I निकाल लेते हैं अलग से, तो I है हमारे पास disk है, तो disk का moment of inertia about this axis, ठीक है, about this axis passing from the center, ठीक है, is given by how much, तो is given by m into r square by 2, ठीक है, तो i is equal to m कितना आपके पास 2 into r square हो गया 4 by 2, तो 4 kg into meter square is i, omega को v by r लिख सकते हैं, pure rolling मान के चल रहे, तो 400 plus half into i is 4, omega को v square by r square, v square मतलब हो गया 400, ठीक है, r square, तो r कितना हमारे पास 2, तो 2 का square again 4, तो ये बन गया हमारे पास, ओके फाइन नाइस, दिस इज 100 एंड दिस इज 2, तो दिस गिव्स अस 400 प्लस 200 एंड दैट इज 600 जूल्स, सो दी शुड बी द आंसर्स, 400 जूल्स एंड 600 जूल्स शुड बी द आंसर्स, ठीक है, तो इस तरीके से करके आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए या तो ये मेथड एप्लीकेबल है या फिर क्या, कौन सा वाला, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग फॉर्मूला याद रखें, मैं आपको दोनों मेथड इसलिए बार बार बताते जा रहा हूँ क्योंकि आपको फॉर्मूले की इंपॉर्टेंट समझ में है, इंपॉर्टेंट है बेटा ये फॉर्मूला, तो हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर इनटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वाज अवर फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास क्या डेटा बनेगा, हाफ इनटू मास ऑफ द डिस्क वाज 2 केजी इनटू वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इज 400 मतलब स्क्वायर करके 400 इनटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर फॉर अ डिस्क देखो कितना है, टेबल में देखो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर फॉर अ डिस्क कितना है, 1/2 था शायद, है ना, डिस्क ही है ना हमारे पास, तो डिस्क में हमारे पास k स्क्वायर बाय r स्क्वायर वाज 1/2 है ना, तो 1/2 यहां पे अगर मैं भरता हूं, ठीक है, तो क्या बनेगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर लो, 1 तो 3/2 बनेगा, ठीक है, तो 400 into 3/2 तो दिस गिव्स अस 200 तो दिस गिव्स अस 600 जूल्स, देखें सेम आ रहा है, ऑब्वियसली सेम ही आएगा, कोई ये जो फार्मूला है वो बना इसी से है, लेकिन मेरा स्ट्रेस इस चीज पे थोड़ा ज्यादा है, ये हो सकता है आपका टाइम बचा ले,
ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, अदरवाइज देयर इज नो इशू। एंड अगेन मैं एक बात कह देता हूं, आप इससे करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इससे इस वाले मेथड से करें दैट इज नॉट एन प्रॉब्लम, बट मेरी प्रेफरेंस इस पे रहती है, आपको अगर एक बार फॉर्मूला याद हो गया और डेटा आपको थोड़ा सा याद है, चार पांच तो ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्क का और सॉलिड सिलेंडर का सेम होगा, रिंग का हॉलो सिलेंडर का सेम होगा, सॉलिड स्फीयर का 2/5 होता है, हॉलो स्फीयर का 2/3 होता है, ये चार पांच याद है, काम हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो लिखें, इसका आंसर कितना है 600 और 400, ठीक है फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के सपोज दैट क्या सपोज करोगे, सपोज दैट 40% ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी, suppose that 40% of the total kinetic energy is rotational for a spherical body, ठीक है, for a spherical body भी कह सकते हैं, या for a circular body better रहेगा, for a circular body, full stop, then find the shape, या find its shape, उस body का shape क्या होगा, ठीक है। तो पहले भी हम लोगों ने last lecture में जहाँ पे question को खत्म किया था, ये वैसा ही question है, तो आप लोगों को दिया क्या है, rotational kinetic energy divided by the total kinetic energy का ratio दिया है इस बार हमें 40%, 40% means 40/100, 40/100 means हमारे पास आएगा, इसको ऐसे लिख लो 2/5, इसको 2/5 लिखा रहने तो मेरे हिसाब से बेटर है, 2/5 देख के सीधा सॉलिड स्फीयर मत बोल देना। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है तुम्हारे पास, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब कितनी है, हाफ इनटू एम इनटू वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर इनटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/5 है। अब मैं आई को क्या लिख सकता हूं, तो मैं आई को लिख सकता हूं क्या, एम इनटू के स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है, तो हाफ एम v स्क्वायर कैंसिल, अब आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 5 इनटू 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ये बनेगा, तो आपके पास यहां से आएगा क्या, आपके पास आएगा k स्क्वायर बाय r स्क्वायर माइनस 2/5, तो एक काम करते हैं k स्क्वायर बाय r स्क्वायर कोई सीधा कॉमन निकाल लो और आपके पास बनेगा 1 minus 2 by 5 is equals to यहाँ पे constant 2/5, right? constant 2/5, तो आपके पास आएगा k square by r square into 3/5, ठीक है, is equals to 2/5, तो 5/5 cancel, आपके पास आएगा k square by r square is equals to 2/3, तो देखें, अब अगर आपको रेशियो याद है k square by r square का, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस तभी पता लगती है जब आप क्वेश्चन करते हैं, तो k square by r square equal to 2/3 आ रहा, मतलब the body का shape is a hollow sphere, ठीक है, it is not a solid sphere, यहाँ पे देखते 2/5 से solid sphere में टिक कर देना, 2/3 आ रहा है, देखो k square by r square table में, तो hollow sphere हमारे पास आंसर बनेगा, ठीक है, तो इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए, शेप्स पे क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको दो क्वेश्चन करवाए हैं, आई थिंक शेप के, एक मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, एक मैंने अभी करवाया है, शेप का जो पहचानने का जो क्वेश्चन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगेन शेप को पहचानने का क्वेश्चन मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग नीट में थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर आगे देखें, एक बात और सुन लें, नीट में और जेईई मेंस में जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस करवाए थे, जिसमें मैं एक बार मैंने 30 डिग्री वाले रॉड एट 30 डिग्री एंड रॉड एट 60 डिग्री वाले में मैंने गड़बड़ी करी थी, यहाँ पे था, है ना, और फिर एक 37 डिग्री और 53 डिग्री वाला जो क्वेश्चन था वहां, मतलब दो क्वेश्चन मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे थे, बाद में आपको पूरा एक बार सॉल्व करके दिखाया था, उस पैटर्न का क्वेश्चन नंबर एक, नंबर दो ओमेगा निकालने वाला क्वेश्चन, मतलब ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी साइन थीटा ऐसे करके जो आपके पास डेटा बन रहा था वो, तो उस रॉड वाला क्वेश्चन, ओमेगा निकालने वाला क्वेश्चन, अल्फा निकालने वाला क्वेश्चन, ये तीन चार जो पैटर्न के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं पिछले लेक्चर्स में, उन तीन चार पैटर्न्स का बहुत खास ध्यान रखिएगा, दे आर मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स फॉर जेईई मेंस एज वेल एज नीट, सभी जने दिमाग में डाल लीजिए उसको, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न थे। खैर नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे प्लीज सभी जने,
एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। अब देखें क्या कंसेप्ट है। देखें मेजॉरिटी में आपको सारे कंसेप्ट आ चुके हैं, कोई खास बहुत बड़ी चीजें नहीं है। एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट सीखने के लिए मैं आपको एक एडवाइस और करूंगा। मैंने आपको जब इनिशियली एंगुलर मोमेंटम कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नाम का जब आपको टॉपिक करवाया था, तो मैंने वहां पे आपको ऐसे कंसेप्ट से ऐसे क्वेश्चन करवाए थे। मान लीजिए ये ग्राउंड है और एक बॉडी को हम लोगों ने यहाँ से ड्रॉप करा है, तो ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम कैसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, मैंने आपको वो सिखाया था। उसे एक बार जाके जरूर देख ले, वो इंपॉर्टेंट है। लेक्चर में पीछे जाइएगा, वीडियो लेक्चर्स को बार बार रिवाइज करिएगा, एक बार देखने से ऐसा नहीं होता। डोंट बी अ फूल कि आपको आपका आपने एक बार अपना ये जो वीडियो लेक्चर है वो देखा और एक ही बार में आपको सब कुछ समझ में आ गया। वीडियो लेक्चर्स में ऐसा नहीं होता, मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूँ। आप कोई भी दुनिया का वीडियो लेक्चर उठा के देख लीजिए, एक बार में देखेंगे, आपने कॉपी में नोट कर लिया और आपको लगता है कि जो टीचर ने पढ़ाया वो आप तक पूरा कन्वे हो गया है, ऐसा नहीं होने वाला। मेरी हिदायत आपको ये है, मेरा सजेशन आपको ये है, मेरी ओपिनियन में आपको एडवाइस ये है कि वीडियो लेक्चर को कम से कम दो बार जरूर देखें। नंबर एक, आप सही सीक्वेंस क्या मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए वो सुन लीजिए, स्पेसिफिकली फॉर यू स्टूडेंट्स आई एम स्पीकिंग। नंबर एक, पहले आपको वीडियो लेक्चर में बहुत ज्यादा, जब आप फर्स्ट टाइम देखते हैं वीडियो लेक्चर को, तो आई थिंक आपको बहुत ज्यादा लिखना नहीं चाहिए। मैं वीडियो लेक्चर की बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा लिखना नहीं चाहिए। पहले एक बार उस पूरे वीडियो लेक्चर को आराम से तसल्ली से बैठ के सिर्फ एनालाइज करो, चीजों को देखो कि अच्छा टीचर ने क्या 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 पढ़ाया है। नंबर एक। नंबर दो, जब आप सिर्फ एनालाइज कर रहे हो या वीडियो लेक्चर को सिंपली देख रहे हैं, तो व्हाट यू शुड डू इज कि यू शुड जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ ब्रीफ पॉइंट्स ऑफ द टॉपिक्स जो टीचर ने पढ़ाए हैं। साथ में वो पॉइंट लिख लीजिए जो टीचर ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला है। थ्योरी मत लिखिए, आप सिर्फ टॉपिक का नाम लिख लीजिए और उन लाइनों को लिख लीजिए, उन बातों को लिख लीजिए जो टीचर ने इंपॉर्टेंट बोले हैं अपनी रफ नोटबुक में। उसके बाद जब आप दूसरी बार वीडियो लेक्चर देखते हैं, वीडियो लेक्चर दूसरी बार देखने के दौरान कॉपी में डेटा नोट डाउन करना शुरू करिए और उस लिस्ट को सामने रखिए कि जैसे ही वो वाला टॉपिक शुरू हो, मेरे को ध्यान रखना है कि इसमें ये बात इंपॉर्टेंट थी। उससे आपके नोट्स अच्छे बनेंगे। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा आपको, अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल उसी तरीके से काम करने लग जाएंगे जिस तरीके से आप क्लास में करते हैं मेरे साथ। मैं आपको जब बोलता हूँ ना कि ये चीज इंपॉर्टेंट हो, आप इसको 3 स्टार कर दीजिए, 5 स्टार कर दीजिए, चॉकलेट बना दो, फलाना बना दो, ये कर दो, वो कर दो, ये वो मेथड है। पहले आपने वीडियो लेक्चर को देखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिए, टॉपिक के नाम नोट कर लिए, अब आपको पता लग गया इस टॉपिक के अंदर ये आने वाला है और आपने वीडियो लेक्चर एक बार सुन लिया है। दूसरी बार में आप जब कॉपी में अपना डेटा नोट डाउन करना शुरू करते हैं, तो नोट डाउन करते करते उन टॉपिक्स का ध्यान रखिए कि ये टॉपिक आने वाला है, इसमें सर ने ये चीज इंपॉर्टेंट बोली है, तो मेरे को इस कॉपी में अपने नोट्स को इस तरीके से इंपॉर्टेंट मान के प्रिपेयर करना है। इतना हो गया। तीसरी बार कुछ मत करिए। तीसरी बार आप व्हाट यू शुड डू इज कि जब आप वीडियो लेक्चर को देखते हैं, तो अपनी क्लास बुक कॉपी सामने रखिए, वापस एक बार वीडियो लेक्चर को सुनते जाइए और क्लास बुक कॉपी से मैच करवाते जाइए। अगर आपने ये 3 बार कर लिया, मेरी बात को समझिए, आपको बिल्कुल वही उसी तरीके से समझ में आएगा जिस तरीके से आपको क्लास में समझ में आता है। इस तरीके से अगर करते हैं आप लोग, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, आपको बिल्कुल वही समझ में आएगा जैसे क्लास में होता है। एक बार में वीडियो लेक्चर नहीं समझ में आ सकता, मेरी क्लियर कट नोटिफिकेशन सुन लो तुम लोग। खैर बहुत हो गया आज। तो मैं ये कह रहा था कि पहली बात तो एंगुलर मोमेंटम का जो कंसेप्ट है वहां से एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज का कंसेप्ट, एंड दैट इज एंगुलर मोमेंटम, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन तो करेंगे क्या, देखें मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ऐसे एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे आपके पास एक डिस्क है, स्फीयर है, जो आपको मानना है, आप मान लीजिए एक स्फेरिकल शेप की बॉडी है, डज नॉट मैटर विच बॉडी इट इज फिलहाल के लिए हमारे लिए। आई अज्यूम दैट द मास ऑफ द बॉडी इज कैपिटल एम एंड द रेडियस ऑफ द बॉडी इज कैपिटल आर। अब ग्राउंड पे मैंने यहां पे एक पॉइंट माना एंड से दिस पॉइंट इज पॉइंट ए। ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, आई विल राइट सी एम, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, द बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एट अ वेलोसिटी वी, एंड सिंस इट इज मूविंग with an angular velocity omega, so it is performing a combined rotational and translatory motion, ये translatory and rotational motion, ठीक है? Radius of the body हम लोगों को r दी हुई है।
अब क्या हुआ, हम ये निकालने जाते हैं कि ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम बॉडी का कितना है, दिस इज व्हाट वी वांट फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब एक बात को समझिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास द ट्रांसलेटरी एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू, ट्रांसलेटरी एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए प्लस द रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए, ये आएगा हमारे पास। अब टोटल एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए में ट्रांसलेटरी भी आया और रोटेशनल भी आया। ट्रांसलेटरी एंगुलर मोमेंटम बनता कैसे था, याद करो मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई पार्टिकल होगा वो ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट पी पे अगर वी वेलोसिटी से चल रहा होगा जिसका मास एम होगा तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हम लोग आर, ये एंगल थीटा, आर क्रॉस वी की मदद से एंगुलर मोमेंटम निकालते थे। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द ट्रांसलेटरी एंगुलर मोमेंटम, ट्रांसलेटरी मतलब लीनियर मोशन, तो लीनियर मोशन के कारण होने वाला एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेटरी एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। ट्रांसलेटरी एंगुलर मोमेंटम का जो कंसेप्ट है वो बॉडी पे नहीं, पूरी बॉडी पे नहीं, बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे लगता है अगर सवाल में बॉडी दी हुई है तो। अगर सवाल में आपको एक पार्टिकल दिया हुआ है, पॉइंट मास दिया हुआ है, जैसे यहां पे दिया हुआ है, अगर मैं इस पूरी बॉडी को गायब कर देता, मैं इस पूरी डिस्क को, स्फीयर को गायब कर देता और मैं कहता जैसे ये इनिशियली यहाँ पे आपके पास डिस्क थी, ये आपके पास ग्राउंड था, ये पॉइंट ए था, ये इसका सेंटर ऑफ मास था सी एम, तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पे अब एक ऐसे पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है वी वेलोसिटी से जिसका मास कैपिटल एम है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम बताओ। तो बन गया ना यही का ये कांसेप्ट, उस पूरी बॉडी को गायब करके उसके सेंटर ऑफ मास को उसका मास मान लो। तो मैंने आपको ये बात बोली हुई है कि जब भी आप एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर इज इक्वल टू एम इनटू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर को अप्लाई करते हैं तो हमेशा दिमाग में क्या रखना है कि ये कांसेप्ट तब लगता है जब आप किसी पार्टिकल मास की बात कर रहे होते हैं या पॉइंट मास की बात कर रहे होते हैं, ये तब लगता है। जबकि मैंने एक और बात बोली थी कि आई इंटू ओमेगा कब लगता है, जब आपके पास कोई सिमेट्रिक शेप की बॉडी दी हो और आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन पता हो। तो अभी तो हमारे पास दोनों बातें हैं, तो आइए देखते हैं एक एक करके क्या है। तो ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करता हूं तो ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये आर वेक्टर होगा, ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये चीज आर वेक्टर होगी, ठीक है। अगर ये आर वेक्टर है तो आर वेक्टर ऐसे आगे भी तो जा सकता है, हम लोग ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं समझने के लिए। अब मैं r वेक्टर के कंपोनेंट्स कर सकता हूं तो ट्रांसलेटरी एंगुलर मोमेंटम, अब मैंने आपको क्या बोला था, टॉर्क में फोर्स लगेगा वर्टिकल तो डिस्टेंस होगा हॉरिजॉन्टल, फोर्स लगेगा हॉरिजॉन्टल तो डिस्टेंस होगा वर्टिकल, तो एंगुलर मोमेंटम l वेक्टर इक्वल टू r m into r क्रॉस v वेक्टर में अगर v होगा हॉरिजॉन्टल तो r होगा वर्टिकल और v होगा वर्टिकल तो r होगा हॉरिजॉन्टल। समझ में आया मैंने क्या बोला, मैंने बोला l वेक्टर इक्वल टू m into r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर में अगर v होगा हॉरिजॉन्टल तो r होगा वर्टिकल, r होगा हॉरिजॉन्टल तो v होगा वर्टिकल, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि m into r परपेंडिकुलर into v भी यूज कर सकता हूं या फिर m into v into r परपेंडिकुलर भी यूज कर सकता हूं, फिर मैं टॉर्क टॉ इज इक्वल टू r क्रॉस f भी यूज कर सकता हूं या फिर मैं r परपेंडिकुलर into f भी यूज कर सकता हूं या फिर मैं r into f परपेंडिकुलर भी यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो सेम केस मैंने उठा के यहां से लिया है, तो मेरी वेलोसिटी यहां पे पार्टिकल की कैसी है हॉरिजॉन्टल, तो मैं डिस्टेंस कैसा लूंगा वर्टिकल, ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है मेरे पास कैपिटल आर के बराबर, तो ट्रांसलेटरी एंगुलर मोमेंटम मेरे पास आएगा मास ऑफ द बॉडी एम, ठीक है, या मास ऑफ द बॉडी इज कैपिटल एम, सो कैपिटल एम इंटू वेलोसिटी वी इंटू कैपिटल आर। नाउ दिस इज सिंपली द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम वेयर एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड नाउ सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी वी ऑल्सो नीड इट्स डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे आएगा, या तो आर वेक्टर की दिशा में हाथ कर लो, वी की तरफ मोड़ लो, थंब इज इनवर्ड्स, या फिर आर परपेंडिकुलर क्रॉस वी, थंब इज इनवर्ड्स, तो आपके पास एम इंटू वी इंटू आर का जो डायरेक्शन है वो क्रॉस में आया, ठीक है। एंड व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज के क्रॉस इज से अ नेगेटिव फॉर अस, ठीक है, एंड डॉट इज से अ पॉजिटिव फॉर अस। नाउ इसकी बात कर लेते हैं, अगर मैं इसकी बात करूंगा एल रोटेशन विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए, तो इस बार ओमेगा इस तरीके से है तो ओमेगा इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो आई इंटू ओमेगा इनवर्ड्स ही आएगा, तो हमारे पास आएगा क्या प्लस आई इंटू ओमेगा और वो भी किसमें क्रॉस में, तो ये हमारा पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा। जो भी बॉडी का आई दिया होगा वो आप लोगों को भरना पड़ेगा, अगर आपने क्रॉस को नेगेटिव माना है तो आपका आंसर दोनों का मिलकर नेगेटिव आएगा, अगर आपने क्रॉस को पॉजिटिव माना है तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, नो नीड टू वरी ऑन दैट। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि द एंगुलर मोमेंटम टोटल ऑफ द होल बॉडी इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स या गोइंग परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन ऑफ द बॉडी या इनटू द प्लेन ऑफ द
पेपर इस तरीके से करके आपके पास आंसर बनेगा। तो आप लोगों को ये बात दिमाग में रखनी है, ये ऐसे करना पड़ेगा, आगे आएगा, आपको साइमल्टेनियसली दोनों पे काम करना पड़ेगा। डायरेक्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दिमाग में रखें इस बात को, ठीक है? ओके फाइन, तो हम लोगों ने ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसको कैलकुलेट किया है। अब आगे देखें, एक क्वेश्चन लिखेंगे, मैं क्वेश्चन को डिक्टेट कर रहा हूं। कंसिडर अ स्फेयर, कंसिडर अ स्फेयर ऑफ मास एम कॉमा रेडियस आर, कंसिडर अ स्फेयर ऑफ मास एम कॉमा रेडियस आर, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन द फिगर, ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। ये रहा आपका ओ पॉइंट, ये रहा आपका सॉलिड स्फीयर। स्फीयर दिया तो सॉलिड मान के चलना, मैंने सिर्फ स्फीयर लिखवाया जानबूझ के, फिर रिपीट कर रहा हूं सॉलिड होगा क्योंकि स्फीयर दिया है आपको, ठीक है? ये सेंटर पॉइंट मान लेते हैं स्फीयर का, ये सेंटर पॉइंट है तो यहां पे सेंटर ऑफ मास होगा, यहां पे सेंटर ऑफ मास होगा, और रेडियस वेडियस दिया हुआ है पता नहीं क्या, तो मास एम दिया हुआ है, रेडियस आर दिया हुआ है, इस तरीके से करके। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू इज के रेडियस आ रहे हमारे पास और ये ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है फाइन। चलिए, तो इस डायरेक्शन में स्फीयर की जो वेलोसिटी है वो वी चल रही है, स्फीयर इस डायरेक्शन में रोलिंग कर रहा है ओमेगा से, प्योर रोलिंग आपको दी हुई है, इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है? ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करनी है तो मैंने करा एल टोटल ऑफ द स्फीयर विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए, ठीक है, या पॉइंट ओ सॉरी, कितना बनेगा? तो इज इक्वल टू बनेगा मेरे पास एल ट्रांसलेशन विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए प्लस एल रोटेशन विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए या ओ, व्हाटएवर सूट्स यू। तो अब हमारे पास क्या क्या बनेगा ये देखते हैं। हमारे पास बनेगा m into v into r, बहुत आसान था, मास m था हमारे पास स्फीयर का, सॉरी मास m था, रेडियस r था, वेलोसिटी v थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास कैपिटल r है, तो m into v into r, ये भी क्रॉस v है क्योंकि डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें r क्रॉस v सेम, तो डायग्राम में कुछ चेंज नहीं, ठीक है? अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद क्या हो गया, i into omega हमारे पास आएगा, तो प्लस हमारे पास क्या आएगा, i into omega और वो भी क्रॉस में आएगा, तो मैंने लिखा है इसे m into v into r क्रॉस में। एक बात और सुन लीजिए, या तो क्रॉस लिख लो या नेगेटिव लिख लो, दोनों चीजें मत लिख लेना, बिकॉज नेगेटिव इनटू क्रॉस विल बिकम अ डॉट, ठीक है? सो क्रॉस प्लस आई ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज 2/5 m r स्क्वायर इनटू ओमेगा, ओमेगा को मैंने लिखा v / r, ठीक है? ओमेगा को आप लोग लिख दीजिए v / r, ठीक है, v / r, तो इस r से एक r को कैंसिल कर दीजिए, आपके पास बनेगा m into v into r प्लस 2/5 into m into v into r and this complete is a cross, गलत नहीं लिखा है, तो 5 × 2 = 7, तो आंसर बनेगा 7/5 m into v into r perpendicularly inwards, ठीक है? या आप क्रॉस लगा दीजिए, perpendicularly inwards लिख दीजिए, जो भी आपको मन करता है वो कर लीजिए, this is your answer, cross भी लिख देंगे चलेगा, perpendicularly inwards इतना लंबा चौड़ा कौन लिखेगा, छोड़ो, तो हम लोगों ने क्रॉस लगा दिया एंड दिस विल बी द आंसर, ठीक है? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट लिखें एक और क्वेश्चन। In the figure given below, a disc is given of mass m and radius r, rolling without slipping. Full stop. Find the angular momentum with respect to point O. Find the angular momentum with respect to point O. यहाँ पे ये point O दिया है, origin पे मत मान लेना, O point यहाँ पे दिया हुआ है, और मैंने आपको disk लिखवाई है ना, तो ये जो disk है वो इस direction में v velocity से जा रही है, इस डायरेक्शन में ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से जा रही है। हम लोग डिस्क का जो मास है वो हम लोगों ने एम मान लिया, रेडियस को हमने आर मान लिया इस तरीके से, और ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम लोगों को बात करनी है, तो देखें ध्यान से देखें प्लीज, इस बार आपका आर वेक्टर ऐसे होगा, ठीक है? ये आपका सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है, ठीक है? तो आर वेक्टर ऐसे जाएगा आपका, ये आपका आर वेक्टर जाएगा। अब अगर एल टोटल निकालते हैं, एल टोटल विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, तो कितना बनेगा,
L total with respect to point O के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले मैं लिखूंगा L translational with respect to point O, एग्जाम में ये सब लिखना नहीं होता, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, plus L rotational with respect to point O, तो what is L total with respect to point O, translatory, तो हमारे पास आएगा M into V into R, भाई डिस्टेंस सॉरी वेलोसिटी कैसी, हॉरिजॉन्टल ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में चाहिए हम लोगों को, तो हमारा डिस्टेंस कैसा होगा वर्टिकल, ठीक है। अच्छा मेरे को आर पॉइंट जो है वो थोड़ा सामने, ओ पॉइंट जो है वो थोड़ा सामने लेना चाहिए था, क्योंकि ये गैप आपका अलग हो जाएगा ना वरना, एक मिनट, सामने इन द सेंस व्हाट कि मेरे को ओ पॉइंट यहां पे लेना चाहिए, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वरना मेरे को आपको दूसरा डिस्टेंस देना पड़ेगा ना, ये देखिए ये आपका आर होगा, ठीक है ये V हो गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास सीधा कैपिटल R तभी तो बनेगा जब ये O पॉइंट इसके टिप के सामने होगा, ठीक है दैट इज व्हाई मैं ऐसा कर रहा हूं और कोई रीजन नहीं। खैर तो M into V into R हो गया हमारे पास। अच्छा ये डायरेक्शन कैसा आएगा, R वेक्टर अब भी जा तो इधर ही रहे, ये आपने R वेक्टर बनाया था, ये आपका R वेक्टर जा रहा है ऐसे, दिस इज योर स्मॉल R वेक्टर, तो R क्रॉस V थंब इज आउटवर्ड, सो दिस इज डॉट, ठीक है अज्यूमिंग डॉट टू बी पॉजिटिव क्रॉस टू बी नेगेटिव, अगेन आई एम स्पीकिंग, ठीक है प्लस I into omega, पर आपकी डिस्क तो क्लॉकवाइज घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही तो हमारे पास कैसा आएगा इनवर्ट्स, I into omega will be inwards, inwards आएगा तो नेगेटिव साइन आएगा, तो माइनस ऑफ I into omega, आइए भरते हैं वैल्यूज को देखें क्या बनेगा, तो M into V into R, ये तो हम लोग चेंज कर ही नहीं सकते, सवाल में M दिया हुआ है, V दिया हुआ है, R दिया हुआ है, माइनस आई फॉर अ हम लोगों ने क्या माना था डिस्क, अगर डिस्क माना हुआ है तो माइनस ऑफ एम इंटू आर स्क्वायर बाय टू इंटू ओमेगा इज वी बाय आर, ठीक है I किसके रेस्पेक्ट में लिया सेंटर ऑफ मास के, ठीक है तो यहाँ पे R से R कैंसिल कर दिया, आपके पास आ गया कितना एम वी आर माइनस एम वी आर बाय टू एंड दैट इज गिविंग अस एज एम वी आर बाय टू एज द आंसर, ठीक है ये आंसर बनेगा हमारे पास, तो भर सकते हैं इस तरीके से करके आप लोग जो भी आपको भरना है, और हमारे पास ये आंसर कैसा है पॉजिटिव, ओके फाइन, तो दिस इज अ डॉट। एक और कर सकते हैं ऐसा, मान लो कुछ भी अपने मन से बना लेते हैं, एक और क्या लिया हमने यहाँ पे पहले, ये क्या था, ये हमने 2/5 लिया, तो ये सॉलिड स्फीयर होगा, ठीक है ये हमने क्या लिया डिस्क, एक काम करो हॉलो स्फीयर भी लेके चलो एक बार प्रैक्टिस के लिए, हॉलो स्फीयर को लेके चलो, ठीक है हॉलो स्फीयर को लेके चलेंगे तो क्या बनेगा, मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, कंसिडर दिस एज द सेम डायग्राम फॉर हॉलो स्फीयर, ठीक है लेकिन अच्छा चलो बना ही देता हूँ क्योंकि वो पॉइंट मैं दूसरा चेंज करना चाहता हूँ, ये हमारे पास हॉलो स्फीयर मान लो ऐसे, ठीक है इसके सामने यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट O है, ठीक है मास होलोस्फीयर का M मान लो, रेडियस R मान लो, ये सेंटर है, ये इस डायरेक्शन में V वेलोसिटी से जा रहा है और ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से जा रहा है, ऐसे गोल घूम रहा है, ठीक है वो मान है प्योर रोलिंग मान के चलेगा, एंड दिस इज अ होलोस्फीयर परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग मोशन, होलोस्फीयर है परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग मोशन O पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ये तुम्हारा R वेक्टर बनेगा ऐसे, ठीक है R क्रॉस V बाहर आएगा, L टोटल With respect to point O, तो हमारे पास आएगा M into V into R, ये आ रहा है dot में, ठीक है और I into omega आएगा cross में, तो minus of I into omega, तो बनेगा क्या M into V into R minus hollow sphere है तो 2/3, ठीक है M R square into omega is V by R, R से R cancel, तो हमारे पास बनेगा ये M into V into R minus 2/3 M into V into R and that is M into V into R by 3. So this is your answer. ठीक है and it is coming out to be positive. Positive means a dot. Outwards आएगा आपका answer. ठीक है तो इस तरीके से करके आप लोग calculate कर सकते हैं. दो तीन मैंने बता दिए हैं. आगे देखते हैं. किसी topic में थोड़ा सा और आगे चलते हैं. अच्छा अभी तक हम तीन चीजों को ध्यान से अगर आप लोग देखें और मैंने आपको पहले भी एक चीज बोली थी. अगर आपको सवाल में रॉड का या किसी भी सिमेट्रिक बॉडी का हिंज पॉइंट नहीं दिया है तो हमेशा किसके अबाउट रोटेट करती है अपने सेंटर ऑफ मास के, इसलिए मैंने सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट लिए हैं सेंटर ऑफ मास के. ठीक है अब देखें आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है या इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन को लेकर मैं चल रहा हूँ. रॉड दी हुई है हमें एंड वी विल सी इसको कहाँ पे कैसे रोटेट करना है. एक मिनट आप लोग क्वेश्चन लेके मैं डिक्टेट करता हूँ. Consider a rod of mass 6 kg. Consider a rod of mass 6 kg having length 6 meters. Having length 6 meters.
मूविंग मूविंग विद वेलोसिटी v इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकंड, मूविंग विद वेलोसिटी v इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकंड, एंड एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियंस पर सेकंड, ओमेगा और v की वैल्यू सेम है, v है 10, ओमेगा है 10, रेडियंस पर सेकंड, रेडियंस पर सेकंड, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड विद रेस्पेक्ट टू या अबाउट पॉइंट ए, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड अबाउट पॉइंट ए। देखो अब इस डायग्राम को, ये एक रॉड दी हुई है तुम लोगों को ऐसे, ठीक है, ये जो रॉड है रॉड का सेंटर ऑफ मास ये रहा, रॉड का सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में v इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकंड पे चल रहा है, ठीक है, और रॉड जो है वो ऐसे इस डायरेक्शन में चल रही है, अब सॉरी गोल घूम रही है, एंड हैविंग एन ओमेगा आल्सो इक्वल्स टू 10 रेडियंस पर सेकंड, ये हम लोगों को दिया हुआ है। रॉड का मास इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने 6 केजी मान लिया था, रॉड की जो लेंथ है वो हम लोगों ने 6 मीटर्स मान ली थी, ये हम लोगों को दिया हुआ था, ठीक है, और ए पॉइंट अभी तक नहीं बताया मैंने आप लोगों को, ए पॉइंट कहाँ मानेंगे, ए पॉइंट 6 मीटर्स है ना, एक काम करो ए पॉइंट मानो तुम नीचे से 6 है ना, तो 2 2 4 5 6 3 मीटर हो जाएगा ना, ये थोड़ा हो जाएगा, एक काम करें लेंथ को आप लोग मान लीजिए 8 मीटर्स, तो 4 मीटर यहाँ आ जाएगा, 4 मीटर यहाँ पे आ जाएगा, और ए जो पॉइंट है वो यहाँ पे है जो कि 2 मीटर की हाइट पे है, दिस इज ए पॉइंट, तो ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम कितना होगा वो निकालना है, लेंथ आपके पास 8 मीटर मान लीजिएगा ताकि थोड़ा क्वेश्चन आसान बन जाएगा, वरना वो आपको लेंथ को तोड़ मतलब ब्रेक करने में परेशानी हो सकती है क्वेश्चन में, इसलिए थोड़ा सा मैंने किया, सो 2 मीटर्स की हाइट मान लीजिएगा, ए पॉइंट इज एट 2 मीटर्स, और आप लोगों को एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, आपको दिख रहा है कि रॉड इज परफॉर्मिंग अ कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन, रॉड ऐसे गोल घूमते हुए आगे बढ़ रही है, ठीक है, ये जैसे पेन है हमारे पास, मार्कर है ये इस तरीके से, तो ये ऐसे गोल घूमते हुए आगे चल रहा होगा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्योंकि ये हिंज तो है नहीं, मैंने आपको अभी बोला कि जब भी कोई बॉडी हिंज नहीं होती है तो हमेशा किसके अबाउट चलती है, अपने सेंटर ऑफ मास के, अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट चल रही है तो आपको दोनों बातें निकालनी पड़ेगी, दैट मींस व्हाट, आपको पूछा गया है एंगुलर मोमेंटम टोटल, एंगुलर मोमेंटम टोटल विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेटरी प्लस, अच्छा सॉरी, ट्रांसलेटरी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए एंड एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल, रोटेशनल विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, ये हम लोगों को दिया हुआ है, सॉरी हम लोगों को फाइंड करना, नाइस, तो ट्रांसलेटरी के लिए अगर मैं बात करता हूं समझेंगे, तो ए पॉइंट अगर यहां पे है तो ए पॉइंट के लिए जो आर वेक्टर होगा वो ये होगा, ये आर वेक्टर होगा क्योंकि वी वेक्टर ऐसे है, तो आर और वी में एंगल ये हमारा 90 बन जाएगा, मास कितना दिया है 6 केजी का, वी कितना है 10, तो इनटू 10 इनटू आर, अब देखें ये देखें आपके पास टोटल लेंथ 8 मीटर की है, अगर ये 8 है तो इतना 4 होगा, तो ये 4 होगा, ये 2 है तो r वेक्टर आपका 2 के बराबर होगा, तो इनटू 2, अब कर लीजिए r क्रॉस v इज कमिंग इनवर्ड्स, इनवर्ड्स है तो मैंने इसे क्रॉस मान लिया, ठीक है, अब आगे क्या हो गया प्लस रोटेशन, रोटेशन में मेरे पास आएगा i इनटू ओमेगा, अब i इनटू ओमेगा मतलब कितना, i है हमारे पास, रोटेशन को मैं लिख देता हूं एक बार i इनटू ओमेगा, एंड दैट इज गिविंग अस ml स्क्वायर, ml स्क्वायर बाय 12, सेंटर के अबाउट क्या होता है एंगुलर, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ml स्क्वायर बाय 12, ठीक है, इनटू ओमेगा, अब m कितना है आपके पास 6 kg का, तो ओके फाइन 6 kg इनटू l स्क्वायर, ज्यादा हो गया 64 हो गया l स्क्वायर हमारे पास, बाय 12 चलेगा, इनटू ओमेगा, तो ओमेगा का मतलब आपको, अच्छा ओमेगा आपको दिया हुआ है 10, तो ओमेगा इज 10, इट इज मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो अगेन द एंगुलर मोमेंटम इज अ क्रॉस, तो क्रॉस में हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ गया, ये हमारे पास कितना बन गया 120, ठीक है, विद अ क्रॉस प्लस ये आएगा हमारे पास 2 और ये हमारे पास जाएगा 32, राइट, तो ये हमारे पास बन गया 320, तो 320 विद अ क्रॉस, सो आंसर कम्स आउट टू बी 440, ठीक है, एंड विद अ क्रॉस, यूनिट क्या बनेगी, तो केजी
ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, m इनटू v इनटू r होता है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सो दिस इज द टोटल एंगल ऑफ मोमेंटम ऑफ द रॉड गोइंग परपेंडिकुलरली इनवर्स, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। बन जाएगा आंसर जो भी बन रहा होगा, मेरे हिसाब से कुछ गलती तो है नहीं, हो तो देख लीजिएगा, बस कैलकुलेशन इस तरीके से होगी, मेथड आपका इस तरीके से। एक और क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन में देखें इस बार, देखें अभी, देखिए प्रॉब्लम क्या है, अब इस क्वेश्चन को अगर आपको समझना है कि इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको इस सवाल में ध्यान क्या रखना है, आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए है ना वो कहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ द आंसर्स, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लेके आप लोगों को और पता लगेगा थोड़ा अच्छा सा। रॉड ऑफ मास 6 kg कॉमा लेंथ 8 meters, सेम रखे, रॉड ऑफ मास 6 kg कॉमा लेंथ 8 meters हैविंग लीनियर वेलोसिटी, सेम ही रख लो यार, लीनियर वेलोसिटी 10 meter per second एंड एंगुलर वेलोसिटी 10 radians per second फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए क्वेश्चन मार्क। नए डायग्राम में आपको पॉइंट ए यहां मानना है, ऊपर, पहले यहां पे था अब ऊपर है, तो विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए आपका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, वीडियो पॉज करें और निकालें, ठीक है, देख लेते हैं, आइए सॉल्यूशन। तो ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करता हूं तो व्हाट विल हैपन, लेट अस सी। ये आपके पास आर वेक्टर कहलाएगा इस बार, तो इस बार जो आपका आर वेक्टर होगा ये आपका 4 meter के बराबर बन जाएगा, 4 meter के बराबर बन जाएगा, तो मैंने लिखा एल टोटल, ठीक है, एल टोटल विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो पॉइंट ए में हमारे पास मास कितना है 6 kg का, इनटू वेलोसिटी कितने का है 10 meter per second का, इनटू आर कितना है हमारे पास 4 meters का, और क्रॉस में है कि डॉट में है ये भी देख लेते हैं। तो आपका आ रहा है क्या, अच्छा आर क्रॉस वी, तो इट इज आउटवर्ड्स, तो ये डॉट में है इस बार, इट इज नॉट अ क्रॉस, इट इज अ डॉट, ठीक है, आर क्रॉस वी करना पड़ेगा, आर वेक्टर नीचे के डायरेक्शन में है ये वाला, ठीक है, आर वेक्टर नीचे है और वी ऐसे है, तो आर क्रॉस वी इज अ डॉट, ठीक है, एंड आई इनटू ओमेगा, तो इट इज रोटेटिंग लाइक दिस ओनली, तो हमारे पास आएगा माइनस में आई इनटू ओमेगा, I मतलब हो गया हमारे पास 6/10, यही सेम बनेगा I तो हमारा, तो I बन गया हमारे पास 6 into L square, मतलब हो गया R 8 का square 64, तो ML square by 12 into omega, अब omega कितना है आपका 10, तो into 10, और कैसा, तो cross, cross है इसलिए मैंने negative लगा दिए, आपके पास बन जाएगा ये कितना बनेगा 6/4, अच्छा यहाँ पे हमारा 120 था, fine, तो ये 240 बनेगा, ठीक है, minus, इसको काट पीट करो, ओमेगा इज 10 ना, और हमने लोगों ने यहां पे सेम ही तो कराया, तो ये 320 ही आएगा, तो ये आपके पास आएगा 320, भाई 6 है 64 है 12 है 10 है, 6 है 64 है 12 है 10, इट वाज 320, ठीक है, ये बनेगा आंसर, जो भी बनेगा माइनस करके बना लीजिएगा, माइनस का मतलब क्या हो गया, आपका जो आंसर बनेगा टोटल एंगुलर मोमेंटम का वो कैसा आएगा, इनवर्ड्स आएगा, दैट्स इट, खत्म, ठीक है, इस तरीके से करके सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि हम लोगों ने इनवर्ट्स को नेगेटिव माना है, मैं फिर बोल देता हूं आउटवर्ड्स फॉर अस वाज पॉजिटिव, इनवर्ट्स फॉर अस वाज नेगेटिव, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। ओके, आगे देखें एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन आएगा, लेकिन है इसी चीज पे बेस्ड थोड़ा सा। देखें क्या है, मैंने आपको पहले भी एक बार कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के क्वेश्चंस करवाए थे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे या नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, सच क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड जो हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे क्वेश्चन करे थे कोलिजन वाले, रॉड के साथ जब बॉल टकराती है वो वाले, वो जेडब्ल्यू मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस वो लोग छोटा बना के देते हैं आपको, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान रहे लेकिन वो स्टेप्स इन्वॉल्व हो। तो जेडब्ल्यू मेंस वाले जो मैंने आपको पहले बोले थे क्वेश्चन में, कि एक बॉल टकराती है, इलास्टिक कोलिजन होता है, इनइलास्टिक कोलिजन होता है, रॉड से टकराती है, रॉड घूमती है, कैलकुलेट दी एंगुलर वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ द रॉड या बॉल आफ्टर कोलिजन, इस तरीके से करके जो भी आपको पूछा हुआ क्वेश्चन में, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। आइए एक और पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, कंसेप्चुअल डिस्कशन करने जा रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड ही है। तो आप लोगों को दिया ही है सवाल में, हालांकि ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन आप इसको एक कंसेप्ट जैसा मान के चल सकते हैं, ठीक है, कंसेप्ट डिस्कशन में लिख देता हूँ वाया क्वेश्चन, डिस्कसिंग अ कॉन्सेप्ट थ्रू अ क्वेश्चन। तो क्या हुआ कि ये हमारे पास एक रॉड दी हुई है ऐसे,
So this is a rod given to us and हमने यहाँ पे एक बॉल ली, इस बॉल को इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी दी, से द वेलोसिटी इज v नॉट, द बॉल विल हिट द रॉड एट इट्स एंड, ठीक है। बॉल के बीच में और रॉड के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, बॉल के बीच में और रॉड के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो e मान के चल रहे हैं हम लोग। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज v नॉट, बॉल टकराती है रॉड रेस्ट पे थी, ये मान के चलेंगे बॉल टकरा रही है रॉड आपकी रेस्ट पे थी, रॉड का मास, अच्छा मैंने मासेस नहीं लिए हैं, एक काम करो बॉल को स्मॉल m कर लो, रॉड को कैपिटल m कर लो, रॉड की लेंथ को कैपिटल l या स्मॉल l कर लो, जो तुम्हें सूट करता है वो कर लो, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि रॉड इज लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, मैं इसका मेन डायग्राम समझा देता हूं कैसा है, मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं पहले, ऐसा डायग्राम बनाया था मैंने वीडियो लेक्चर में। रॉड आपकी ऐसे पड़ी हुई है, मान लीजिए ये रॉड पड़ी हुई है ऐसे, ठीक है, बॉल आती है टकराती है यहाँ कोने पे, रॉड हिंज्ड नहीं है तो रॉड खुद के सेंटर ऑफ मास के बाहर गोल घूमना शुरू कर देगी, तो तुम लोगों से पूछ लेगा कि कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रॉड आफ्टर कोलिजन, ये तीन चार बातें आप लोगों से पूछ सकता है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, दिस रॉड इज लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकली लटक नहीं रही है, टेबल पे रखी है, टेबल पे रखी हुई है ऐसे, एक बॉल आके टकराती है ऐसे, तो रॉड ऐसे घूमेगी, घूमेगी तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, बॉल की वेलोसिटी कोलिजन के बाद कितनी होगी, ऐसा भी आप लोगों से पूछ सकता है। अब एक चीज को सुनिएगा ध्यान से, इस कंसेप्ट में इंपॉर्टेंस किस बात की, इंपॉर्टेंस इस बात की है कि जब भी आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करते हैं, हालांकि मेरे को ये बाद में बताना चाहिए पर मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए पहले बता देता हूं, ध्यान दें इसे, जब भी आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इक्वेशन लिखी जाती है वी टू वेक्टर माइनस वी वन वेक्टर डिवाइडेड बाय यू वन वेक्टर माइनस यू टू वेक्टर, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इसमें मैंने आपको कहा था कि ये जो डेटा है ये हमेशा लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग लिया जाता है, हर किसी चीज के अलोंग नहीं लिया जाता, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग लेना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपने इस बात को ध्यान में नहीं रखा आपसे सवाल सॉल्व नहीं होगा। अब लाइन ऑफ इंपैक्ट का मतलब क्या हुआ, जिस लाइन के अलोंग दोनों बॉडी से टकरा रही हैं उस लाइन को लाइन ऑफ इंपैक्ट कहेंगे, मतलब ये जो डेटा होगा ये इस लाइन के अलोंग वाली वेलोसिटीज का होगा, हर किसी लाइन के अलोंग का वेलोसिटी का डेटा नहीं होगा, इवन सेंटर ऑफ मास के अलोंग का भी डेटा नहीं होगा, रॉड यहां से हिंज्ड नहीं है, मैं फिर बोल देता हूं। तो इतनी बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है। अब एक और चीज को सुने, मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में अगेन एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि जब भी आपके पास रॉड हिंज्ड होती है, रॉड अगर हिंज्ड थी, जैसे ही आपके पास एक हॉरिजॉन्टल रॉड है, सॉरी आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक रॉड को बनाया, मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, लेक्चर आज कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो वीडियो लेक्चर है ये कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ये आपके पास रॉड है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है ऐसे, ठीक है, आराम से समझे एकदम, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है ऐसे, मैंने कहा कि मैंने रॉड की जो एक्सिस है ये फिक्स कर दी ऐसे, कोने से मैंने रॉड को फिक्स कर दिया, सो नाउ रॉड कैन रोटेट लाइक दिस, ऐसे घूम सकती है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ऐसे ऐसे घूम सकती है। अब अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रॉड ऐसे घूम सकती है तो यहाँ पे हिंज फोर्सेस आएंगे, एक हिंज फोर्स ऐसे बनेगा, एक हिंज फोर्स ऐसे बनेगा, दोनों हिंज फोर्स के बीच में एंगल 90 होगा, ठीक है। हम लोगों ने हिंज फोर्सेस को हमेशा 90 माना था, ऐसा जरूरी नहीं था, क्योंकि हिंज फोर्सेस हम लोग अज्यूम करते हैं 90, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपका ये जो हिंज है उसमें तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो हर जगह पे होता है भाई, जैसे आपका जो डोर होता है, डोर पे हिंजेस लगे होते हैं ना कोने में, जिसके बाद डोर रोटेट करता है, तो उस पे होता क्या है, हम लोग मान के क्या चलते हैं कि एक इंच फोर्स वर्टिकल लगता है, एक इंच फोर्स हॉरिजॉन्टल लगता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कहीं और पे फोर्स लग नहीं रहा है, पर आप किसी और जगह पे हिंज फोर्स निकालने में राइट नाउ केपेबल नहीं होते हो, इसलिए हम ये मान के चल रहे होते हैं कि हिंज फोर्स एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लग रहा होता है, और उस बेसिस पे हम लोग हिंज फोर्सेस को सॉल्व करते हैं, ऐसा हमारा अजम्पशन रहता है, मैं ये कह रहा हूं। तो जब भी आपके पास हिंज फोर्सेस लग रहे होंगे तो आपका नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता, नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता तो आपका एफ कांस्टेंट, सॉरी एफ जो होगा वो आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इफ इट इज नॉट इक्वल टू जीरो दैट मींस, दिस मींस के एफ इज इक्वल टू, जब आपको पता है डीपी बाय डीटी होता है, लेकिन एफ जो है वो आपका जीरो नहीं है, अगर आपका एफ जीरो नहीं है तो आपका पी कांस्टेंट नहीं है, और अगर आपका पी कांस्टेंट नहीं है तो आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगा सकते, मैं ये बात आपको पहले से पढ़ा चुका हूं। अगर सवाल में आपको रॉड को हिंज्ड दिया है कि रॉड इज हिंज्ड, रॉड इज पाइवोटेड अबाउट अ फिक्स पॉइंट, और बॉल मान लीजिए टकरा रही है,
तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, भाई कोलिजन हो रहा है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगा सकते, हिंज फोर्सेस हैं। लेकिन अगर सवाल में दिया है द रॉड इज फ्री टू रोटेट, अब रॉड इज फ्री टू रोटेट मतलब हिंज फोर्सेस नहीं है। और मैंने क्या बोला था या क्या समझाया था पिछले लेक्चर में भी, कि जब भी आपके पास कोई बॉडी होती है और अगर वो फ्री टू रोटेट है, तो फ्री टू रोटेट का मतलब है कि बॉडी हमेशा किस एक्सिस के अबाउट गोल घूमती है, अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो देन वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम तो लगेगा ही, उसमें कोई चिंता वाली बात ही नहीं, उसकी मैं बात करता हूं बाद में। लेकिन पहले दिमाग में डालें कि अगर कोई बॉडी हिंज्ड है तो नेट फोर्स जीरो ना होने के कारण आप एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी के कंसेप्ट से लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, अगर हिंज फोर्सेस हैं तो। अगर हिंज फोर्सेस नहीं है या सवाल में ऐसा दिया है द बॉडी इज फ्री टू रोटेट अबाउट एनी एक्सिस, इफ द बॉडी इज फ्री टू रोटेट अबाउट एनी एक्सिस दैट मींस इट विल ऑटोमेटिकली रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, एंड सिंस द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, तो यू कैन अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बट इफ द बॉडी इज हैविंग हिंज फोर्सेस या द बॉडी इज फिक्स्ड अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस, देन यू कैन नॉट अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बिकॉज हिंज फोर्सेस विल मेक नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो। जबकि एफ बराबर डीपी बाई डीटी में अगर नेट फोर्स जीरो होगा तब जाके आपका आप लोगों का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट होगा। इतनी बात मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। अब आगे देखें, एक चीज को देखें, अब मैं इसके बाद की कंडीशन बना रहा हूं। मतलब क्या, बॉल आगे बढ़ी, रॉड आपकी रेस्ट पे थी, रॉड वॉज इनिशियली एट रेस्ट, रॉड के पास ना तो ओमेगा है, रॉड के पास ना ही वी है, रॉड ना तो आगे वी वेलोसिटी से जा रही है, रॉड ना तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही, रुकी हुई थी, और बॉल जो है वो रॉड के कोने पे टकराती है। टकराने के बाद क्या हुआ, मैं उसका डायग्राम यहां पे बना रहा हूं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या डायग्राम बनेगा, हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखें, ये जो लाइन थी, ये लाइन मैंने कौन सी लाइन मानी, ये वाली लाइन, दैट इज लाइन ऑफ इंपैक्ट, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, मैंने इस लाइन पे जहां पे बॉल ने शुरू करा था, जहां पे बॉल ने चलना शुरू करा था, मैंने उस लाइन पे यहां पे एक पॉइंट माना, पॉइंट का नाम दे दिया पॉइंट ए, ये मैंने पॉइंट माना पॉइंट ए, ये रहा ये लाइन जैसा जो माने माना, ये पॉइंट ए। टकराने के बाद क्या हुआ, ये रही हमारी बॉल, और बॉल की जो वेलोसिटी है वो मान लीजिए वी वन होगी टकराने के बाद। अब क्या हुआ, जैसे ही रॉड के साथ बॉल टकराई तो जो रॉड है, जैसे ही रॉड के साथ बॉल टकराई तो जो रॉड है उसने आगे भी बढ़ना शुरू करा और उसने गोल घूमना भी शुरू करा। तो रॉड वी वेलोसिटी से आगे बढ़ी और रॉड ऐसे इस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमेगी। भाई जाहिर सी बात है ना, रॉड आगे भी घूमेगी, आगे भी चलेगी और गोल भी घूमेगी, दोनों बातें होंगी। नाउ द रॉड स्टार्ट्स परफॉर्मिंग अ ट्रांसलेटरी मोशन एज वेल एज अ रोटेशनल मोशन। तो ये आप लोगों को दिमाग में रखना है, इस तरीके से करना है। अब सवाल में आपके मतलब मन में आपके सॉरी सवाल ये आ रहा होगा कि सर ए पॉइंट यहाँ पे क्यों माना, ए पॉइंट यहाँ पे क्यों माना, वो आपको ऑलमोस्ट लास्ट में या मिड ऑफ द क्वेश्चन में पता लग जाएगा कि ए पॉइंट को यहाँ पे मानने का फायदा क्या है। अब मैंने ए पॉइंट माना कहाँ पे है ये देखें, सर ने ए पॉइंट लाइन ऑफ इंपैक्ट पे माना है। आप लोग इस चीज को दिमाग में रखें कि लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ए पॉइंट को मानना है। ए पॉइंट को वहां पे मानने का क्या फायदा होगा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि लाइन ऑफ इंपैक्ट पे मानने का फायदा क्या हुआ। आप कहीं भी मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन लाइन ऑफ इंपैक्ट पे मानने से आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, उसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। भैया एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट अभी निकाल के तो आए हैं, कभी हमने ऊपर माना था कभी नीचे माना था, तो आप मान सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे मानने का क्या फायदा होगा आपको पता लग जाएगा। खैर, तो दिस इज अवर कंडीशन आफ्टर द कोलिजन, ठीक है, और मेरे हिसाब से हमें इसमें कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जिस जगह पे बॉल टकराई है, मतलब इस पॉइंट पे बॉल टकराई है, तो इस कोने की वेलोसिटी कितनी होगी, ये जो कोना होगा उस कोने की वेलोसिटी कितनी होगी, आइए देख लेते हैं। हम लोगों ने लेंथ कितनी मानी, एल। अच्छा, अब सिंस द बॉडी इज अ रिजिड बॉडी तो हर पॉइंट की वेलोसिटी v तो पक्का होगी, जैसे हमने उसमें करा था सर्कल वाले में v प्लस ओमेगा इनटू r, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी लीनियर v होगी प्लस ओमेगा इनटू r होगी। तो ओमेगा कितना है आपके पास, ओमेगा, लेकिन r कितना है, l बाई टू, तो ओमेगा इनटू l बाई टू, ये हमारे पास वेलोसिटी बनेगी, ठीक है, इस पॉइंट की। भैया ये जो पॉइंट है वो कैसा मोशन परफॉर्म करेगा, ये जो पॉइंट है वो ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो सेंटर के रेस्पेक्ट में ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा तो वी वेलोसिटी से जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी मिलेगी, और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में यू घूमोगे तो घूमोगे तो ओमेगा इनटू आर मिलेगा। आर कितना, एल बाई टू, ये हमारे पास वेलोसिटीज आ गई सारी की सारी।
तो इतने में आपको समझ में क्या आना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये, टकराने के बाद आप वेलोसिटीज को ऐसे अज्यूम कर लीजिए, बॉल की वेलोसिटी को मैंने v1 माना है, रॉड की वेलोसिटी को मैंने टकराने के बाद v माना है, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी v0 दी थी, स्मॉल m कैपिटल m कैपिटल l एंड v वाज द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास अबाउट व्हिच द कंप्लीट रॉड इज रोटेटिंग। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों को। अब आगे समझे मैं क्या करने जा रहा हूं, आगे आप लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले आप लोग निकाल लीजिए एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे या लीनियर मोमेंटम का डेटा बना लो चाहो तो, और साथ में एंगुलर मोमेंटम का और उसका भी डेटा बना लेते हैं। एक मिनट दें मुझे, क्या मुझे कोई और डेटा अज्यूम करने की जरूरत है? वैसे मुझे लगता नहीं है वी नीड टू अज्यूम एनी अदर। ओके फाइन, ठीक है, मेरे हिसाब से हम कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आनी तो नहीं चाहिए। लेट अस सी, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द कंप्लीट सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द कंप्लीट सिस्टम। इनिशियल मोमेंटम, तो बॉल का मास कितना है, स्मॉल m, बॉल की वेलोसिटी इनिशियल कितनी है, v0, ठीक है, प्लस मास ऑफ द रॉड कितना है, कैपिटल m, लेकिन वेलोसिटी कितनी है, 0, तो इनिशियल मोमेंटम आ गया सिस्टम का पूरा, लीनियर वेलोसिटी 0 थी, प्लस इज इक्वल टू, सॉरी अब क्या हो गया, बॉल का मास कितना है, स्मॉल m, बॉल की वेलोसिटी कितनी है, v1, प्लस रॉड का मास कितना है, कैपिटल m, रॉड की वेलोसिटी कितनी है, v, ये बन गया आपके पास लीनियर मोमेंटम का डेटा। ठीक है, यहां से हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है, बस यही इक्वेशन बनेगी और तो कुछ बनेगा नहीं, तो से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर अस। ठीक है, अब एक और चीज मैंने आपको क्या बताई, नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा इंतजार कर रहा है, आप चाहे तो इसको यूज कर लीजिए एक बार, अगर हम इसको यूज करते हैं, सो अकॉर्डिंग टू e equals to v2 minus v1 by u1 minus u2, तो मैंने लिखा, अच्छा e की वैल्यू को हमें e मानना पड़ेगा, फाइन अभी के लिए e की वैल्यू को e मान लेते, बाद में मैं न्यूमेरिकल क्रिएट करता हूं कुछ, विल सी टू इट। तो आपके पास e is equal to v2 मतलब रॉड या 2 मतलब रॉड 1 मतलब बॉल, 2 मतलब रॉड 1 मतलब बॉल, तो 2 मतलब आपके पास आएगा v2 मतलब आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वेलोसिटी, आफ्टर कोलिजन लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वेलोसिटी इज कमिंग आउट टू बी v प्लस ओमेगा इनटू l बाय 2 माइनस v1, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वेलोसिटी इटसेल्फ इज v1 को v1 ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाय लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग पहले वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, पहले वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी v0 माइनस दूसरे वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इसको v0 ही लिख देता हूं मैं सीधा, माइनस 0 लिखने का कोई मतलब बनता नहीं, ये आपके पास आ गया, यहां से मैं लिख रहा हूं इसे e into v0 is equal to v plus omega into l by 2 minus v1 से इट इज इक्वेशन नंबर 2। मैं फिर कह रहा हूं अभी कांसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, देखने में आपको थोड़ा परेशानी लग सकती है लेकिन इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, दिमाग में रखें, कांसेप्ट डिस्कशन चल रहा है, क्वेश्चन नहीं चल रहा है। आगे चलते हैं, तो आपके पास दो इक्वेशंस आ चुकी है, एक इक्वेशन 1 ये आ चुकी है, एक इक्वेशन 2 ये आ चुकी है, अब हमारे पास तीसरा कंसेप्ट बचता है, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करूंगा। अब देखो ए पॉइंट को यहां पे मानने का फायदा क्या होगा, ए पॉइंट को यहां पे मानने का तुम्हें फायदा ये दिखेगा, आ जाओ देखें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो मेरे को लिखना होगा एंगुलर मोमेंटम इनिशियल ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल ऑफ द सिस्टम। इनिशियल में मैं क्या लिख रहा हूं, सुन लो पहले एक बार, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉल प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड, साथ में मैंने लिखा आई का मतलब इनिशियल, ठीक है, इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉल प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड, साथ में मैंने लिखा फाइनल। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉल विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए लिखना है मेरे को, रॉड विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए लिखना है, बॉल विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए लिखना है, रॉड विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए लिखना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉल विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए इनिशियल 0 बन गया। देखो ए पॉइंट ऐसे है, ए पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, भाई यहाँ पे भी मान सकते हो ना ए पॉइंट तो फिक्स रहेगा। अब ए पॉइंट यहाँ पे है तो आर वेक्टर, ये अगर ए पॉइंट है, ये तुम्हारी बॉल है, तो आर वेक्टर ऐसे आएगा, वी वेक्टर भी ऐसे आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी। ठीक है, तो एल ऑफ द बॉल विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए 0 इनिशियली प्लस एल ऑफ द रॉड इज 0 ऑब्वियसली, रॉड तो मूव ही नहीं कर रही, ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में रॉड के पास ना तो ओमेगा, ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में ना तो रॉड के पास वेलोसिटी है, इनिशियली तो कोई है ही नहीं ना, तो 0 बनेगा। ठीक है, इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉल विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए, फिर से 0 आएगा, ए विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए, सॉरी बॉल विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए, तो फिर से आर वेक्टर ऐसे बनेगा, ये आर वेक्टर बनेगा, तो फिर से 0 बनेगा, तो 0। ठीक है,
सुनना भी ध्यान से, ये मत सोचना कि पूरा रॉड का आंसर इक्वल टू जीरो बन जाएगा, नहीं बनेगा ऐसे, बेवकूफी नहीं करनी है, रुक जाओ। रॉड विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट है, तो रॉड के पास दो एंगुलर मोमेंटम है, क्योंकि रॉड इज परफॉर्मिंग व्हाट, कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन, रॉड ये परफॉर्म कर रही है, तो रॉड के पास दो एंगुलर मोमेंटम है ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में। देखो ये रहा आर वेक्टर फिर से, ठीक है, तो रॉड का मास कितना है अभी के लिए, कैपिटल एम इंटू वी इंटू आर, तो आर कितना है एल अपॉन टू, और ये आर वेक्टर ऐसे आएगा R cross V बाहर आएगा, तो ये मेरे पास डॉट बनेगा। डायग्राम में डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है, रॉड का ये है मेरे पास ट्रांसलेटरी एंगुलर मोमेंटम, अब मैं निकालूंगा रॉड का रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम, दैट इज I into omega, अब I into omega रॉड ऐसे घूम रही है तो इनवर्ड्स आएगा, इनवर्ड्स मेरे लिए क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव होता है तो माइनस, और रॉड का मास है क्या कैपिटल M, और सेंटर के बाद घूमेगा, घूमेगा तो आएगा एम एल स्क्वायर बाय 12 into omega, ठीक है, तो जीरो इज इक्वल टू, मैंने लिखा एम इंटू वी इंटू एल बाई टू, ये मैंने क्या किसमें लिखा क्रॉस में, ठीक है फाइन, माइनस एम इंटू एल स्क्वायर बाय 12 इंटू वी बाय एल बाय टू, ओमेगा इज वी बाय आर, ऐसे पुट कर दो, एक एल से एक एल कैंसिल कर दो, इसको 6 बना लो, इसको 2 कर दो, ठीक है, तुम्हारे पास आ गया यहां से एम इंटू वी एल बाय 6, ठीक है। अच्छा एक मिनट, एक गलती हो गई है यहाँ पे, हम ये स्टेप नहीं करेंगे, सॉरी माय मिस्टेक, तो माइनस दिस, यहां से आपके पास बनेगा m l स्क्वायर बाय 12 इनटू ओमेगा, ठीक है, तो यहां से मैंने इसे लिख दिया m l स्क्वायर बाय 12 इनटू ओमेगा इज इक्वल्स टू m इनटू v इनटू l बाय 2 m l m l 2 6, तो आपके पास v आ गया ओमेगा इनटू एल बाय 6, ठीक है, ये आपके पास वी आ गया। अब इस वी की इक्वेशन को यूज करके आप चाहे तो क्या निकाल सकते हैं क्या नहीं निकाल सकते, लेट अस सी, वी की इक्वेशन को यूज करके आप यहां पे पुट करेंगे तो वी वन वी नॉट की इक्वेशन बन जाएगी, वी की इक्वेशन को आप यहां पे पुट करेंगे तो आपके पास फिर से वी वन वी वी वन और वी के फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाएगी, तो आंसर बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द इक्वेशंस। तो आपके पास एक तीसरी इक्वेशन और आ गई, ठीक है, तीन इक्वेशंस हैं, कौन से अननोन वेरिएबल्स हैं, अननोन है आपके पास v1, अननोन है आपके पास v, अननोन है आपके पास ओमेगा, तीन वेरिएबल्स तीन इक्वेशंस, वी कैन इजीली सॉल्व द इक्वेशंस, तो इस तरीके से आप लोग कांसेप्ट को डिस्कस कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मेरे को इसमें समझाना क्या था, एक मिनट मैंने कुछ नहीं, ठीक है, v इज नाइस, ठीक है, तो मेरे को इसमें समझाना ये था आपको, देखिए आपको पता लगा ए पॉइंट की इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहली बात तो ए पॉइंट की इंपॉर्टेंस क्या है, या पहली बात तो ए पॉइंट को मानना कहाँ पे, जिस पॉइंट पे या जिस लाइन पे इंपैक्ट हो रहा है, मतलब जिस लाइन के अलावा कोलिजन हो रहा है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ए पॉइंट को उसी पॉइंट के अबाउट मान लीजिए, तो आपकी आधी चीजें खत्म हो जाती है, ठीक है। इस वजह से मैंने ऐसा किया है कि ए पॉइंट को मैंने वहां पे माना ताकि मेरे तीन आंसर तो ऑटोमेटिकली जीरो बनेंगे, तो मेरे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तीन स्टेप दिमाग में रखने हैं, कौन से, सबसे पहले ये देखिए क्या रॉड के पास या बॉडी के पास कोई पाइवट पॉइंट है, अगर पाइवट पॉइंट है तो एंगुलर मोमेंटम सॉरी लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन नहीं लगेगा, अगर कोई पाइवट पॉइंट नहीं है इट इज फ्री टू रोटेट, तो पहली बात वो किसके अबाउट रोटेट करेगी, तो वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगी, तो आप सिंस देयर इज नो पाइवट पॉइंट या हिंज फोर्सेस यू कैन अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने से आपके पास एक इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन के बाद आप क्या लगाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन की इक्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन की इक्वेशन लगाने पर फिर से आपके पास एक इक्वेशन बनेगी, और इक्वेशन बनाने के बाद आप क्या लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम, तीन इक्वेशंस तीन वेरिएबल्स, सॉल्व द इक्वेशंस गेट द आंसर्स, दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरीके से करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आप इस तरीके से मान के चलेंगे, मैं बनाता हूं एक मिनट दें, क्वेश्चन आपका इस तरीके से है कि हमारे पास एक रॉड दी है, ठीक है, इसी तरीके से जो मैंने बनाई हुई है यहाँ पे, ये आपके पास एक रॉड दी हुई है ऐसे, और क्वेश्चन में बॉल को थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, हमने बॉल को यहां पे हिट करवाया ऐसे, कोने पे नहीं है, ठीक है, इस बार नीचे है थोड़ा सा, डेटा में देखता हूं अभी क्या देना है क्या नहीं देना है। रॉड का जो मास है कैपिटल एम, मान लीजिए वो बड़ा हो जाएगा 3 kg कर लो, लेंथ को 4 meters मान लो, और ये जो गैप है इसे 1 meter का मान लो,
जहाँ पे बॉल नीचे हिट कर रही है, बॉल का मास देखता हूँ मैं क्या दिया है मैंने। अच्छा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देना पड़ेगा इस बार तो। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आप लोग मान के चले 1/2 के बराबर है, रॉड का मास सॉरी बॉल का मास 1 kg के बराबर है। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, सॉरी नॉट फाइंड द एंगुलर मोमेंटम सॉरी, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रॉड को रखा हुआ है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन, कैलकुलेट द वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड आफ्टर कोलिजन, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अ रॉड इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, अ रॉड इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर विल स्टॉप। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 meters per second, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 meters per second टूवर्ड्स द रॉड, बॉल इज प्रोजेक्टेड एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 meters per second टूवर्ड्स द रॉड एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर फुल स्टॉप। द कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द बॉल एंड द रॉड, द कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द रॉड एंड द बॉल या बॉल एंड द रॉड इज हाफ, इज हाफ या 1/2। फुल स्टॉप। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड, एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड आफ्टर कोलिजन, एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड आफ्टर कोलिजन। आइए समझिए क्या हो रहा है। सबसे पहली बात यह कि हमें आफ्टर कोलिजन का डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो आफ्टर कोलिजन का डायग्राम क्या बनेगा आइए देखते हैं। मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं आफ्टर कोलिजन का डायग्राम, एक मिनट। हाँ तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये आपके पास रॉड है ऐसे, ठीक है, बॉल नीचे टकराई है तो मैं बॉल को थोड़ा नीचे ले लेता हूं, मैं इस पॉइंट को रॉड का सेंटर मान के चल रहा हूं, लाइन ऑफ इंपैक्ट बना दी हम लोगों ने, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड स्टार्ट्स मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ वी, दिस पॉइंट स्टार्ट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अभी के लिए मैं इस गैप को मतलब सेंटर से लेके जिस जगह पे बॉल हिट कर रही है उस गैप को मैं आर मान के चल रहा हूं, अ कैपिटल आर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट की वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वी प्लस आर इनटू ओमेगा, क्योंकि रॉड जो है वो ऐसे ओमेगा से गोल घूमना शुरू करेगी, ठीक है, ऐसे ओमेगा से गोल घूमना शुरू करेगी। तो इस पॉइंट के पास दो वेलोसिटीज होंगी, एक लीनियर एक रोटेशनल, मतलब एक वेलोसिटी लीनियर मोशन के कारण और एक वेलोसिटी या एक लीनियर वेलोसिटी रोटेशन मोशन के कारण। तो v इज इक्वल टू r इनटू ओमेगा, वही सर्कल वाला केस हमारा, व्हील वाला केस, भाई सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये r है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास v से चल रहा है, ठीक है, और ये ओमेगा से गोल घूम रहा है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, तो v प्लस r इनटू ओमेगा, मैंने वही तो कर दिया, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये आपका सेंटर था, ये चीज आपकी क्या है, सेंटर है कि नहीं, तो सेंटर के रेस्पेक्ट में मैंने गैप को r मान लिया, ठीक है। अच्छा बॉल की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में मैंने फिर से v1 मान ली, ठीक है, मैंने बॉल की वेलोसिटी को v1 मान लिया, एंड आई से दिस इज पॉइंट ए, जो मैंने आपको पहले मानने को बोला हुआ था, ठीक है। ये आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब आइए न्यूमेरिकल का डेटा बनाए, तो सबसे पहली बात तो ये मुझे क्या मानना था क्या नहीं मानना था। पहले मैं क्या करूंगा, आई कैन सी द बॉल इज नॉट पिवोटेड, सो देयर आर नो हिंज फोर्सेस, सिंस देयर इज नो हिंज फोर्सेस दैट मींस वी कैन अप्लाई, आई कैन अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाता हूं तो मैंने यहां पे लिखा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या होगा बेटा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम what I can write is mass of the ball, what is mass of the ball is 1 into velocity of the ball is 10 plus 0 is equal to mass of the ball is 1 into v1 that is velocity of the ball finally, and plus mass of the rod, what is mass of the rod, 3 kg, so 3 kg into v plus omega into l by 2, ये हमारे पास बनेगा v plus omega into l by 2, v plus omega into l by 2 क्यों, क्योंकि line of impact आपके पास ये है, ये आपकी line of impact है, ये वाली लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वेलोसिटी लेंगे, ठीक है, तो v + ओमेगा l / 2 ये हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन बनेगा। हम लाइन ऑफ इंपैक्ट का गड़बड़ी कर रहे हैं कुछ, सेंटर ऑफ मास के अलोंग होता है ना लीनियर मोमेंटम, तो वो इसके इसमें आएगा ना लाइन ऑफ इंपैक्ट, तो सॉरी मैंने लीनियर मोमेंटम पे लगा दिया हूं। तो इक्वेशन क्या बन गया आपके पास, 10 इज इक्वल टू, मैं आपको क्लियर कर देता हूं अगर कंफ्यूजन आ गया है, तो सेंटर ऑफ सॉरी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो हमेशा
सेंटर ऑफ मास के अलावा लगता है या फिर ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगता है? ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगेगा तो हमेशा सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग लगेगा, इसलिए मैंने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिए v, तो 10 इज इक्वल टू, कर चुके हम लोग ऐसा एनएलएम में, 1 into v1 एंड प्लस 3 into v, तो से इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लगाऊंगा, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल टू v2, v2 अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, रॉड की वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट पे है ये, तो मैंने एक बार लिख दिया v plus r into omega, v plus r into omega minus v1, minus v1 means the velocity of the ball is v1 itself divided by v0, तो मैंने लिखा है ऐसे 1/2 is equal to v, तो मुझे पता नहीं है, plus r कितना है, अच्छा rod कितनी लंबी थी 4 meter की, ठीक है ये 1 meter, तो center से ये gap कितना हो गया, ये gap कितना हो गया 1 meter का, ठीक है, तो r हो गया मेरे पास 1 इनटू ओमेगा मुझे पता नहीं है, तो ये मेरे पास डेटा बनेगा v प्लस r ओमेगा का, माइनस v1 मुझे अभी नहीं पता है, और v0 मुझे पता है 10, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 10, ठीक है, तो 2 से मैं 10 को काट देता हूं, मेरे पास आ गया 5 इज इक्वल्स टू v प्लस ओमेगा माइनस v1 इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ आई विल राइट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो मेरे पास आएगा l इनिशियल इज इक्वल टू l फाइनल, ठीक है, एंड दैट आल्सो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, मैं पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करूंगा, तो मेरे पास क्या बनेगा एल ऑफ द बॉल प्लस एल, अच्छा एक मिनट, एल ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए प्लस एल ऑफ द रॉड विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए इनिशियल, ठीक है, इज इक्वल टू एल ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए प्लस एल ऑफ द रॉड विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए फाइनल, ठीक है, बॉल विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए जीरो हो गया, रॉड तो है ही नहीं, चल ही नहीं रही थी, बॉल विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए जीरो हो गया प्लस रॉड, रॉड का हमारे पास आएगा ऐसे, तो ये बाहर आएगा, रॉड का मास कितना है 3, रॉड की वेलोसिटी है v इनटू r हो गया हमारा 1, ठीक है, और ये आ रहा है बाहर, बाहर का मतलब प्लस, अच्छा प्लस i इनटू ओमेगा, अब रॉड कैसे क्लॉकवाइज, तो माइनस में आएगा, माइनस में कितना, तो m इनटू l स्क्वायर, l स्क्वायर मतलब हो गया 16 by 12, ml square by 12 of the center of mass into omega, तो into omega, तो यहाँ से मेरे पास आएगा 3 into v is equals to, ये क्या 4, तो ये भी 4, तो 3 into v is equals to 4 times of omega, तो यहाँ से v आ गया आपका 4 omega by 3 या omega आ गया 3 v by 4, ठीक है, ये v की value आ गई, v की value उठा के कहाँ डालूँ मैं, ताकि मेरे पास कुछ answers बने, v की वैल्यू मैं क्यों ना यहाँ डाल दूं फर्स्ट में, मेरे को मिलता है 10 इज इक्वल्स टू क्या है v1 प्लस 3 इनटू v था, तो मैंने लिखा 10 इज इक्वल्स टू v1 प्लस 3 इनटू v, v कितना है मेरे पास 4 इनटू v बाय 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये अच्छा v1 भी है ये भी है, और इसमें कैसी इक्वेशन है ओमेगा की वैल्यू v और v1 में, ठीक है फाइंड कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो 10 is equal to आएगा हमारे पास v1 plus 4 times of v, इस equation में डालो, इस equation में तो क्या बनेगा 5 is equals to omega डाल दो, omega कितना बनेगा 3v by 4, तो मेरे पास आएगा v plus 3v by 4 minus v1, ठीक है, तो 4 7 3 ये बनेगा 7 और ये बन जाएगा 20 is equals to 7v minus 4 times of v1, ये जो भी equation बन रही है, तो एक equation ये है एक equation ये है, लिख दो इसको इसके नीचे, तो 20 is equals to 7, sorry 4 minus 4 v1 plus 7 times of v, put कर देना values को और answer निकाल देना v और v1 की, अब तुम लोग कर सकते हो दो ही equation, दो ही variables multiply कर लो जो भी करना है and we can calculate the answers, ठीक है, तो बस यहाँ से अगर आपके पास जैसे v की value आ जाएगी omega आ जाएगा, omega पूछा हुआ था calculate the angular velocity of the rod after collision, तो omega बन जाएगा और v1 आपके पास यहीं से निकल जाएगा, तो that is the velocity of the ball after collision, तो this is how we can calculate, ठीक है, just a minute, okay, आगे चलते हैं, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, देखें सवाल तो ये आप लोग खुद ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं इसको सॉल्व, ठीक है, अच्छा अगेन अब हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा और डिस्कशन है, कंसेप्चुअल डिस्कशन करेंगे अभी पहले, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, रोलिंग मोशन का थोड़ा सा और कंसेप्चुअल डिस्कशन करेंगे, देखें सबसे पहली बात तो ये, अगर आपको पीछे जाके रिवाइज करना है तो कर सकते हैं, पर पहले दिमाग में लेके आइए कि रोलिंग मोशन की कंडीशन क्या थी और फ्रिक्शन का मैंने डायरेक्शन वायरेक्शन क्या बनवाया था, सब कुछ, मतलब मैंने जब शुरू करा था कल वाले लेक्चर में या पिछले वाले लेक्चर में,
तो मैंने आपको दो तीन एग्जांपल्स दिए थे, इनफैक्ट दो एग्जांपल्स की बात हम लोगों ने करी थी, जिसमें से पहला एग्जांपल ये था कि अगर गाड़ी का जो पहिया है वो मिट्टी में फंस जाएगा तो उसके पास ओमेगा ज्यादा होता है पर वेलोसिटी कम होती है, या लीनियर वेलोसिटी कम होती है। और अगर गाड़ी के पहिए पे आपने ब्रेक मार दिया, एकदम से गाड़ी चल रही थी, टायर चल रहे थे, ठीक है, और आपने एकदम से ब्रेक मारा, तो गाड़ी के जो पहिए हैं उनके पास लीनियर वेलोसिटी वी, स्किडिंग ज्यादा होती है, लीनियर वेलोसिटी वी ज्यादा होती है, और एंगुलर वेलोसिटी वी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है वो कम होती है, ठीक है। तो उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन एक्ट करता है, और फ्रिक्शन तब तक एक्ट करता रहता है जब तक कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की जो वेलोसिटी है वो जीरो नहीं हो जाती है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी डिस्कस करा था कि जब भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो जो फ्रिक्शन होता है वो कौन से नेचर का अप्लाई हो रहा होता है, स्टैटिक नेचर का अप्लाई हो रहा होता है। और अगर आपने स्केडिंग करवा रखी है तो स्केडिंग करने के दौरान जो है फ्रिक्शन किस नेचर का अप्लाई हो रहा होता है, तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन के नेचर का अप्लाई हो रहा होता है। ऐसा हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ा था, ठीक है। अब एक चीज को समझे, मैं एक बार फिर से उसी चीज को वापस पढ़ाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं नए वाले पॉइंट पे आना चाहता हूँ। देखे हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, ये हमारे पास व्हील है ऐसे, अच्छे से समझना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये आपके पास ग्राउंड है ऐसे, ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था, ठीक है, जिसको भी मैंने यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट माना। से दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज नेम्ड एज पी। अब क्या हुआ कि ये इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, बॉडी का सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से चलता है, और बॉडी ऐसे इस डायरेक्शन में ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से चलती है, और बॉडी का जो रेडियस है, सर्कुलर बॉडी का जो रेडियस है वो हम लोग कैपिटल आर मान के चल रहे हैं, हाँ कैपिटल आर मान के चल सकते, कोई इशू नहीं है। तो हम लोगों ने ये सीखा था कि इस वाले टॉप मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, और वो होगी वी प्लस आर इंटू ओमेगा, हम लोगों ने ये बात सीखी थी, ठीक है, वी प्लस आर इंटू ओमेगा। फिर हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जब बात करी थी तो सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग पी वाले पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी थी, और पी वाले पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ओमेगा इंटू आर थी। तो आप लोगों ने कहा था कि वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होने पर प्योर रोलिंग होती है, ठीक है। दूसरी बात क्या कि अगर ऐसा है तो मैं क्या लिख क्या सकता हूं, समझे, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास को मैं लिख क्या सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी, ठीक है, माइनस द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और मैंने क्या सिखाया हुआ आपको रिलेटिव मोशन में, ये होता क्या है बेसिकली, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेयर वी कैन राइट दिस एज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, बट वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कितनी होती है, जीरो, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कितनी होती है, जीरो, इसलिए हम पहुंच जाते हैं वीपी माइनस VCM पे। अब अगर मैं इस डेटा के मुताबिक लिखना चाहूं तो मेरे को पता लग रहा है कि velocity of point P with respect to center of mass is equal to velocity of point P minus velocity of center of mass, so I can write velocity of point P is equal to velocity of point P with respect to center of mass plus the velocity of center of mass, मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा अब एक चीज को समझें, P पॉइंट के रेस्पेक्ट में velocity, सॉरी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में P पॉइंट की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में P पॉइंट की वेलोसिटी इज माइनस ओमेगा आर, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में P पॉइंट की वेलोसिटी इज माइनस ओमेगा आर प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इज V, तो लिखो इसे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इज माइनस ओमेगा इनटू आर प्लस V। अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है कि पॉइंट P दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो पॉइंट P की वेलोसिटी जीरो होती है। अगर ऐसा है तो ये जीरो पर होगे, ये जीरो पर होगे मतलब माइनस ऑफ ओमेगा इनटू आर प्लस वी, तो वी को कितना पर दोगे या वी की वैल्यू कितनी आ गई ओमेगा इनटू आर। मैं आपको एक चीज से ये समझा रहा था कि वी इक्वल टू ओमेगा इनटू आर आता क्यों है, नंबर एक ये, और वो भी तब जब आपने नीचे यहाँ पे ग्राउंड माना है, ग्राउंड माना है तो ग्राउंड की जो वेलोसिटी है वो आपने जीरो मानी है, ठीक है, और इस कारण से आपके पास ऐसा आंसर बनता है। मैं इतनी देर से ये डिस्कशन कर रहा था, कुछ नया नहीं है, मैंने बस थोड़ा सा प्रेजेंट करने का तरीका हो सकता है आप लोगों को चेंज लगे, लेकिन मैं ऐसा कुछ पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, ये सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, सुनेंगे मेरी बात को ध्यान से, अच्छा इसको रखते हैं, मैं इसको रब नहीं करूँगा। अब देखें क्या हुआ, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपके पास एक रॉड है, स्लैब है, जो मानना है मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे,
इसके ऊपर आपके पास एक व्हील है, ऐसे सर्कुलर डिस्क है, स्फेयर है, फलाना है, ढमकाना, जो मानना है मान लो, हो गया। अब क्या होगा कि आप लोगों ने ये माना कि जो नीचे वाला आपका स्लैब है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है और ये जो व्हील है वो इस डायरेक्शन में ऐसे और ऐसे चल रहा है, ठीक है। मतलब ओमेगा भी होगा इसके पास, वेलोसिटी भी होगी, अल्फा भी होगा, ए भी होगा, फलाना ढिमकाना, सब कुछ मान के चलो एक बार के लिए, लेट अस सी क्या बनता है, ठीक है। तो क्या हुआ, डेटा मुझे मानना पड़ेगा पहले। तो आप लोग मान लीजिए कि पहली बात इसका ओमेगा इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा, सेंटर ऑफ मास, लीनियर वेलोसिटी इज वी, इसकी लीनियर वेलोसिटी v1 मान, स्लैब की लीनियर वेलोसिटी v1 मान। अब मैंने क्या करा, सुनेंगे और देखेंगे ध्यान से, प्लीज लिखें नहीं, पहले देखें ध्यान से। मैंने दो पॉइंट्स माने, एक पॉइंट मैंने माना व्हील के जस्ट ऊपर, एक पॉइंट मैंने माना स्लैब के जस्ट नीचे, स्लैब के टॉप सरफेस के जस्ट नीचे, बट दैट मींस देयर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल गैप बिटवीन द टू, ठीक है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों ही आप लोग इनडायरेक्टली कह सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, मेरा कहने का मतलब ये है, इनडायरेक्टली वी कैन से कि दिस इज द, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। वन इज ऑन द व्हील, वन इज ऑन द स्लैब, ये वन इज ऑन द रॉड, जो भी आपको मानना है, स्लैब बोलना वैसे बेटर रहेगा। अच्छा भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग इस पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग ए पॉइंट की बात करता हूं, तो सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग ए पॉइंट की वेलोसिटी इधर कितनी होगी, ओमेगा इनटू आर। ए पॉइंट इज अ पार्ट ऑफ व्हील, व्हील इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लीनियर इज वी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, ठीक है, velocity of point P, velocity of point A is equal to velocity of point P with respect to center of mass, that is velocity of point A with respect to center of mass plus velocity of center of mass. So velocity of point A is equal to velocity of point A with respect to center of mass plus velocity of center of mass. ठीक है, तो velocity of point A is equal to A with respect to center of mass. So velocity of point A with respect to center of mass is minus of omega into r plus v. That is velocity of center of mass. So, मैं इसको लिख रहा हूं v minus omega into r. I cap, y cap, ठीक है, direction आप लगा सकते हैं, कोई issue नहीं। मैं b point की बात करता हूं, b point किसका हिस्सा है, slab का, slab is a solid object. इसका मतलब क्या हुआ कि velocity of point b is nothing but equals to v1. slab का center of mass नहीं consider करना, slab को thin मानना है अभी के लिए, तो velocity of point b is equal to v1 आएगा। अच्छा, now b और ये तो point of contact मान के चल रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं velocity of A with respect to, sorry, velocity of A और velocity of B को बराबर मान सकता हूं, क्योंकि they are single point of contact. अगर ऐसा है तो मैं लिख सकता हूं V minus omega into R is equals to V1. मतलब क्या समझ में आया कि अगर तुम्हारा सरफेस ग्राउंड है और वो रुका हुआ है तो VB की वैल्यू जीरो हो जाती है, और अगर VB की वैल्यू जीरो हो जाती है तो आप V equal to omega into R को, v equal to omega into r को condition of pure rolling कह पाते हैं, क्योंकि वहां पे ground की velocity zero होती है। लेकिन अगर ground की velocity zero नहीं है तो ये आपकी condition of pure rolling बन जाएगी, क्योंकि va equal to vb is basically the condition of pure rolling when the bottom surface is moving. भाई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेस्ट पे होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेस्ट पे होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, सोच के देखो, एक बार पॉइंट ए पे बैठो, बी को देखो, फिर बी पे बैठो, ए को देखो, ए और बी रेस्ट पे नजर आने चाहिए, जब ए पे बैठो तो बी रेस्ट पे नजर आना चाहिए, जब बी पे बैठो तो ए रेस्ट पे नजर आना चाहिए, भाई तभी तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे होंगे। तो व्हेन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन द टू इंडिविजुअल बॉडीज इज जीरो या दे आर एट रेस्ट, then only we can say कि pure rolling होएगी, क्योंकि दोनों के बीच में जो point of contact होगा वो automatically rest पे नजर आएगा, और दोनों के बीच में friction क्या हो जाएगा, zero, friction का value क्या हो जाएगी, zero, friction का nature कैसा होगा, static,
अगर स्लाइडिंग होगी तो नेचर कैसा होएगा? काइनेटिक, ठीक है? तो ये वाली बात हम लोगों को समझ में आनी चाहिए कि अगर नीचे वाला सरफेस रोल हो, सॉरी, नीचे वाला सरफेस मोशन क्रिएट करता है, तो इस तरीके से करके हम लोग आंसर्स को निकाल सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन की भी बात करनी थी, उसमें कर सकते हैं, कुछ है नहीं ऐसा। अल्फा मैंने लिख ही दिया था, मेरे को यहाँ पे कॉमा ए लिख देना चाहिए एक, ठीक है, और इसको कॉमा ए वन लिख देना चाहिए। तो क्या होएगा मेरे पास यहाँ पे, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी, मेरे को यहाँ भी लिख लेना चाहिए VPCA में, तो acceleration of point P with respect to center of mass is acceleration of point P, अच्छा, acceleration of point P minus acceleration of center of mass, तो acceleration of point P is acceleration of P with respect to center of mass plus acceleration of center of mass, ठीक है? तो मेरे पास आएगा acceleration of point A is equal to acceleration of A with respect to center of mass plus the acceleration of center of mass, ठीक है? तो यहाँ से आएगा acceleration of point A is equal to A with respect to center of mass, तो पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो बना लेते हैं डायग्राम एक बार, ये आपका व्हील है। अब यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में ओमेगा स्क्वायर इनटू आर आएगा, इस डायरेक्शन में अल्फा इनटू आर आएगा, और इस डायरेक्शन में ए आएगा, आई मीन सॉरी स्मॉल ए आएगा ये, और ये मैं पॉइंट ए की बात कर रहा हूँ, ये आपके पास बनेगा। तो ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या पुट करेंगे, ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अल्फा इनटू आर, ठीक है, माइनस, सॉरी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है ए, फाइन, और ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो माइनस ऑफ अल्फा इनटू आर प्लस ए, ये बना दीजिए आपके पास, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी, तो मेरे को यहां पे क्या लिखना चाहिए, इज इक्वल टू ए वन, तो ए वन इज इक्वल टू क्या कर दोगे, ए माइनस अल्फा इनटू आर, ठीक है। अब तुमने अगर लिखा ए वन इज इक्वल टू ए, ए माइनस अल्फा इनटू आर, अब ए वन को जीरो पुट कर दो, तो बन गया ए इज इक्वल टू अल्फा इनटू आर। This was the condition of pure rolling in case of when the bottom surface was at rest. तो इस तरीके से करके हम लोग calculate कर सकते हैं। एक बात और सुन लीजिएगा, omega square into r का यहाँ पे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? ऐसा नहीं कि omega square into r exist नहीं कर रहा, लेकिन फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि body आप solid मान के चलते हैं, internal forces ये body solid होने के कारण जो omega square into r acceleration ऊपर की तरफ लगता है, since the body is solid, so it is able to compensate because m omega square into r is a force which is compensated by the normal reactions or the internal forces, and hence net force acting along y axis is zero, net acceleration along y axis is also zero. Aisa mg lagega, mg aise, m omega square aise, they both balance each other and hence cancel out each other. Isliye maine seedha ye baat likhi hai, confuse na ho ki sir ne omega square into r to likha hi nahi, lekin agar aap se pooch le ki bhai individually batao kya kitni value hai, to omega square into r ko include karke answer de dijiye, koi issue nahi. Khair, nice. आगे चलते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग कैसे बनी, क्यों बनी। अगर ग्राउंड की वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो सिंपली ये बन जाएगी ये वाली वैल्यू और अल्फा इनटू आर वाली वैल्यू। ग्राउंड की वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती है, तो ये वाली बातें करनी है लोगों को, ठीक है। खैर, ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं थोड़ा सा और। तो क्वेश्चन इस तरीके से होगा हमारे पास, क्वेश्चन तुम लोग कौन सा करोगे, एक सेकंड दे, ठीक है, लिखे एक क्वेश्चन मैं बोलता हूं। इन द फिगर गिवन बिलो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द डिस्क calculate the velocity of the disc and calculate the velocity of the disc